दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिसको आप में से हर किसी ने लाइफ में बहुत बार सुना होगा, और ख़ासकर तब जब आप कुछ बड़ा और नया काम करने जा रहे होते हो। तब कुछ लोग आपसे कहते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता, अरे तेरे बस की है ही नहीं। और जब बड़े बड़े ताकतवर लोग नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा। तो शुरुआत में तो आपको लगता है कि नहीं यार, कोशिश करता हूँ, शायद हो जाएगा। लेकिन जब ये नेगेटिव बातें कुछ ज़्यादा ही आपके जहन में आती जाती है कि तू नहीं कर सकता या तुझसे नहीं होगा, तब आपको लगने लगता है कि हाँ यार, शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, और आप भी मानने लगते हो कि ये काम अब आपसे नहीं हो सकता। तो क्या वाकई में ऐसा है, या सिर्फ ये हमारी सोच है, हमारा इल्यूज़न है, हमारा वहम है? और अगर ये हमारा वहम है तो किस तरीके से इस वहम को दूर किया जा सकता है? इसी बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में काफ़ी सारे मेंढक का एक ग्रुप रहा करता था। उस जंगल में कुआं भी था। एक दिन उस ग्रुप का एक मेंढक उछलते कूदते गलती से उस कुएं में गिर गया, और उसको देखने के लिए दूसरा मेंढक भी उस कुएं में कूद गया। ये देखने के लिए एक एक करके सारे मेंढक कुएं में कूद गए, और अब वो सब उस कुएं में चले तो गए, लेकिन अब वहाँ जाकर वो फंस चुके थे, क्योंकि कोई भी मेंढक उसमें से ऊपर नहीं आ पा रहा था। शुरुआत में एक दो मेंढक ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया और ऐसा मानने लगे कि हम में से अब कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी कोई मेंढक कोशिश भी करता तो बाकी मेंढक उसको कहते कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो, ये तो नामुमकिन है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कुएं की दीवारें बहुत ऊंची और फिसलन भरी है, अगर तुम थोड़ा भी ऊपर चढ़ गए तो नीचे गिरकर मर जाओगे। इन सभी नेगेटिव बातों को सुनकर ऊपर चढ़ने वाला मेंढक हिम्मत हार जाता और नीचे गिर जाता। फिर मेंढकों ने ऊपर चढ़ना ही छोड़ दिया, और वे सब उसी कुएं में रहने लगे जहां पानी और खाने की बहुत कमी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और मेंढकों की अगली पीढ़ी ने जन्म लिया, और इस पीढ़ी में एक मेंढक ऐसा पैदा हुआ जिसने बाहर निकलने के बारे में पूछा, तो बाकी मेंढकों ने वही पुरानी फेलियर की कहानी उसे सुना दी और कहा कि ये नामुमकिन काम है, हम में से ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, और इस कुएं से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता। लेकिन इस नए और जवान मेंढक को कुएं के अंधेरे और बुरी हालत से नफरत थी, इसलिए इसने फैसला किया कि चाहे मैं ऊपर चढ़ते हुए मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं रह सकता। और कभी कभी कोई बूढ़ा मेंढक उस मेंढक को कुएं के ऊपर की रंगीन दुनिया, खुली हवा और पानी के बड़े बड़े तालाब के बारे में बता दिया करता था, जिससे उस मेंढक की कुएं से बाहर निकलने की इच्छा और तेज़ हो जाती। और आखिरकार उसने बाकी सभी मेंढकों को अपना फैसला सुना दिया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसकी बुराइयाँ बढ़ती गई। बाकी मेंढक कहने लगे कि ये तो पागल है, बेवकूफ़ है जो इस नामुमकिन काम को करना चाहता है, जब बड़े बड़े ताकतवर इस दीवार पर नहीं चढ़ पाए तो ये पिद्दी क्या करेगा, चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। पर तैयारी तो उस जवान मेंढक ने कर रखी थी, उसने कई दिनों तक कुएं की दीवार को अच्छे से समझा था और ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस भी की थी। इसी की बदौलत वो ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार वो ऊपर पहुँचने में कामयाब हो ही गया। और जैसे ही वो ऊपर पहुँचा तो कुएं के बाकी सारे मेंढकों में हलचल मच गई कि आखिरकार ये ऊपर कैसे पहुँच गया, जबकि ये काम तो नामुमकिन था और आज तक ऐसा कोई भी दूसरा मेंढक नहीं कर पाया था। तभी उस मेंढक के एक खास साथी ने उन्हें बताया कि जाने से पहले उसने अपने कानों में पत्तियां लगा ली थी, ताकि आप लोगों की नेगेटिव बातें उसके कान में ना जा सके और उसका ये मजबूत इरादा ना टूट सके। कुएं से बाहर निकलकर उस मेंढक ने अपने कानों में लगी पत्तियां निकाल दी, और ये उसने इसीलिए किया था ताकि दूसरे मेंढकों की नेगेटिव बातें उसको सुनाई ना दे और उसका कॉन्फिडेंस ना टूटे। तो दोस्तों, शायद इस कहानी के जरिए आप समझ चुके हो मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। इस कहानी में जिस तरीके से इस मेंढक ने लोगों की नेगेटिव बातों से बचने के लिए अपने कान बंद कर लिए थे, आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव लोगों के लिए अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लोग तो बोलेंगे, और आप किसी को गलत जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग आपके काफ़ी करीबी होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे और कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे। अगर इस दुनिया में हर इंसान ये सोचता कि कोई भी नया या बड़ा काम नामुमकिन है, तो इतने बड़े बड़े आविष्कार नहीं होते। ना एरोप्लेन का आविष्कार होता, ना मोबाइल का आविष्कार होता, ना टीवी का आविष्कार होता, ना कंप्यूटर का आविष्कार होता, और ना ही इंटरनेट का आविष्कार होता, और ना ही ऐसा कोई दूसरा आविष्कार हो पाता। ये तो जिद थी उन लोगों की जिन्होंने इनका आविष्कार किया। उन लोगों को भी शुरुआत में नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव बात कर करके रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग जिद्दी थे, उन्हें अपने आप पर यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने करके दिखाया। और आप भी वाकई में किसी काम को करना चाहते हो तो आपको भी जिद्दी बनना पड़ेगा इन लोगों की तरह।
अगर आपको लगता है कि किसी काम को आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। भाई कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर इस पूरी दुनिया में किसी भी एक इंसान ने अगर वो काम किया है तो आप भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी किया है तो भी कर सकते हो। तो इसलिए लोगों की बातों में आना छोड़ो और लोगों की नेगेटिव बातों के लिए अपने कानों को हमेशा के लिए बंद रखो, तभी आपको किसी काम में कामयाबी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।